मम्मी मेरी फ्रेंड आई है साक्षी। क्या सेक्सी? सेक्सी नहीं, साक्षी। साक्षी अच्छा अच्छा हाँ। आ जाओ आ जाओ बेटा, बैठो आ जाओ। आ बेटी बैठ बैठ। और बेटा खाना वाना बना लेते हो? हाँ जी आंटी। हाँ तो बेटा ये मटर छील देना जरा, काम बहुत है ना। तो मम्मी ये क्या कर रहे हो? छिलो छिलो। पापा उठ जाओ। पापा मेरी दोस्त आई है साक्षी। क्या सेक्सी? अरे सेक्सी नहीं, साक्षी साक्षी। माई हो बे, चिल्ला कैसे रहा है? इस घर में सोने भी नहीं देते। मम्मी मेरी दोस्त और मुझे थोड़ी प्राइवेसी दे दो। प्राइवेसी? बेटा देख लो, इसको मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा। एंड दिस मादर पुत्र नाउ आस्किंग मी टू गो आउटसाइड। घर में कोई गाली ना दे ऐसा माहौल रखा, मगर ये हराम ज्यादा माई हुआ मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहा है। नहीं आप बैठो, यहीं बैठो। बेटा हमने अपनी बेटी को इतने संस्कार दिए कि किसी यारी दोस्ती के घर ऐसे मुंह उठा के नहीं जाना, दूसरे बंदे परेशान होते हैं। क्या कर रहे हो मम्मी, क्या बोल रहे हो? बेटा वैसे आपको सिलाई करनी आती है? हाँ बोल दूंगी तो ये मुझे सिलाई करने को बोल देंगी। नहीं आंटी। बेटा हमने अपनी बेटी को जब वो मेरी कोख में थी ना उसी में मैंने उसे सिलाई बुनाई कढ़ाई सब सिखा दिया था, लायक हो गई मेरी बेटी। अरे खाना क्यों नहीं बना रखा तूने? ए आप तो मेरे मुंह मती लगो तो अच्छा है। एक तो ये पता नहीं अपने रोज दोस्तों को ले आता है, काम हम पे बढ़ता है। हाँ तो मारना इस मायूबे को, रोज अपनी दोस्तों को ले आता है चुड़ैल सी शक्ल वाली को। क्या कर रहे हो आप लोग? आंटी मैं चलती हूँ। नहीं बेटा खाना खा के जाना ना। नहीं आंटी बस बातों से पेट भर गया। अच्छा ठीक है। नहीं तुमको? नहीं पता नहीं बेटा आपके घर खाना बना है? नहीं अंकल। बताओ ये घरों में खाने क्यों नहीं बन रहे आजकल?